एसी की स्पीड, एसी की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, समझ रहे हैं। हमारा एसी कोर्स का ये 9वां दिन होगा, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि स्प्लिट एसी की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। स्प्लिट एसी की वायरिंग कई प्रकार की होती है, आपको पता होगा, एक होती है पीएससी, दूसरा होता है सीएसआर, फिर होता है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के साथ, और हमारा होता है डुअल कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो एक एक करके हम कई वीडियो बनाएंगे, जिससे जो स्प्लिट एसी की वायरिंग होती है ना, सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पीएससी वायरिंग के बारे में बात करेंगे कि हाँ स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। हमने जो एसी के अंदर इनडोर और आउटडोर के अंदर जो भी पार्ट लगते हैं ना, उनको बहुत ही विस्तृत तरीके से इसमें आपको बताया है, एक एक चीज को बना दिया। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट एसी की वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्प्लिट एसी का इनडोर होता है और हमारा आउटडोर होता है, समझ रहे ना। तो इनडोर और आउटडोर जो स्प्लिट होती है ना, बस इतना ही सारे पार्ट लगे होते हैं, इससे ज्यादा कोई भी पार्ट हमारे नहीं होते, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इनडोर के अंदर एक हमारी क्या होती है, मेन पीसीबी होती है, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, पीसीबी होता है। और पीसीबी के ठीक देखेंगे तो उसी में पीसीबी में हमारा लगा होता है ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी से क्या बनाना, डीसी बनाना, ठीक है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एक जंक्शन होता है जिसको डिस्प्ले होता है, समझ रहे ना, ये डिस्प्ले यानी जो एसी का ऊपर वाला जो कवर होता है ना, उसके ऊपर डिस्प्ले का पॉइंट लगा होता है। इसके बाद देखेंगे ब्लोअर फैन होता है, ब्लोअर फैन यानी जो हवा को क्या करता है कि मतलब अंदर की हवा को खींचकर अंदर ही क्या कर देता है, फेंक देता है, ठीक है। इसी से ठंडी हवा, ये ऑपरेटर की ठंडी हवा को यही खींचने का काम करता है, जो कि इसका भी यहाँ पर जैक बना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्विंग मोटर होता है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, दो यहाँ पर सेंसर होते हैं, एक होता है रूम सेंसर, दूसरा होता है कॉइल सेंसर। तो रूम सेंसर जो हमारा होता है ना, इसमें आप देखेंगे तो आगे इसका जो पॉइंट होता है, इतना बड़ा जो निकलता है ना सेंस करने के लिए, वो बिल्कुल ब्लैक होता है। और कॉइल सेंसर के अंदर जैसा आप कॉपर की पाइप देखे होंगे ना, वैसा होता है, समझ रहे ना। तो जो कॉइल सेंसर में कॉपर जैसी पाइप आपको इतना ही लगा दिया जाता है, और हमारा रूम सेंसर होता है जो कि रूम सेंसर क्या करता है कि अंदर का जो आप टेम्परेचर सेट करके रहेंगे कि उसको सेंस करता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो सबका जैक बना हुआ है, इसमें वायरिंग करना बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि सबका क्या होता है, जैक होता है, कनेक्टर होते हैं, और दूसरे का कनेक्टर दूसरे में लगने वाले भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी वायरिंग काफी आसान मानी जाती है, क्योंकि सब कनेक्टर टू कनेक्टर होता है, इसका नहीं है कि इधर का उधर लगा देंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। और देखेंगे हम, ये तो इनडोर के अंदर ही सब होता है, आउटडोर के अंदर आप आएंगे तो क्या होता है, कंप्रेसर होता है, इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंडेंसर फैन होता है, बस इतना ही आउटडोर के अंदर होता है। और आउटडोर में एक जंक्शन होता है, और इनडोर के अंदर हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यही सब जो हमारा होता है इनडोर और आउटडोर के अंदर होते हैं, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है, सब कुछ लिखा होता है पीसीबी के अंदर, समझ रहे हैं ना, कि हाँ कौन सा जंक्शन कहाँ पर लगने वाला है। थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज होगा तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ी आसानी से इसकी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि एक मेन लीड होती है, समझ रहे ना, क्या होता है, मेन लीड होती है। तो मेन लीड का काम होता है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस और अर्थ, तीन तार हमारे होते हैं। मेन लीड जो बाहर से निकलता है, इसमें हमारे तीन तार होते हैं, और ठीक जो हमारा मेन जंक्शन होता है उसी पे होता है फेस न्यूट्रल कंप्रेसर के लिए और अर्थ के लिए सब कुछ पॉइंट लिखा होता है। और पीसीबी में देखेंगे ना, एक रिले लगता है, समझ रहा ना, क्या लगता है, रिले। देखिए रिले जो हमारा होता है ना, एक प्रकार का स्विच ही होता है, वो क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्विच होता है, वो अब मैनुअली नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, अपने से काम करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो रिले की एक तरफ हेल लिखा होगा, एक तरफ सीओएमपी लिखा होगा, सीओएमपी का मतलब होता है कंप्रेसर, समझ रहे ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एल लिखा होगा, दूसरा सीओएमपी लिखा होगा, समझ रहे ना। तो एल का मतलब होगा कि लाइन को हमें इन करना है, और जब हमारा कंप्रेसर चालू होगा तो यहां से हमारा क्या होगा, यहां से आउट होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे न्यूट्रल का जंक्शन होता है, किसका होता है, न्यूट्रल का। तो अगर हमें वायरिंग करना है तो बड़ी आसानी से मेन लीड से जो न्यूट्रल निकलता है ना, देखिए आकर के यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल निकलता है आकर के पीसीबी में हम क्या करते हैं, एन वाले पॉइंट में हमें दे देना है, कुछ सिंपल सा होगा, एक जंक्शन में आएगा, जंक्शन से सीधे हमारा कहाँ चला जाएगा, पीसीबी में चला जाएगा, और इसी जंक्शन से हमारा आउट होकर के दूसरे पॉइंट पे लिखा होता है न्यूट्रल आउट, वहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कॉमन ही कर देते हैं, समझ रहे ना। जो न्यूट्रल ऊपर से आ रहा है उसी को ले जा करके हमें यहाँ पर जोड़ देना है। अब देखेंगे इसके अंदर न्यूट्रल आ चुका है पीसीबी में से, अंदर जिनको जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता होगी उसको उसको न्यूट्रल
मिल चुका है, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या होगा, फेज, फेज को लेकर आएंगे और हमें पी वाले पॉइंट में जोड़ देना होगा, समझ रहे, जो जंक्शन होगा वहां पर पी लिखा होगा। इसके बाद देखेंगे पीसीबी के अंदर रिले होता है, समझ रहे ना क्या होता है, रिले, रिले पे दो पॉइंट होंगे, एक एल होगा, दूसरा क्या होगा, सीओएमपी लिखा होगा, यानी कंप्रेसर के लिए होगा। तो यहां से फेज को हमें सीधे लेकर आना है और एल वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे, देख रहे ना, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, यहां से जब हम निकालेंगे ना, देखिए अब इतने में आप देख रहे हैं कि इनडोर की पूरी वायरिंग क्या हो गई, खत्म। बस हमें दो ही तार जोड़ने होते हैं, एक तो हमारा होता है लाइन का, दूसरा होता है न्यूट्रल का, बकिया तो इस हमारे क्या होते हैं, जैक होते हैं, जैक टू जैक हमें क्या कर देना होगा, कनेक्ट कर देना होगा, और ये दूसरे का जैक दूसरे में लगने वाले नहीं है, क्योंकि आज के भी स्विंग मोटर जो हमारे आ रहे हैं ना, चार चार पांच पांच तार, छह छह तार के आ रहे हैं, और यहाँ ब्लोअर फैन भी आ रहे हैं, इनका भी एक जैक होता है, जैक होगा तो इस पर लिखा होगा हाई, मीडियम, लो, एल और एन, और यहां पर इसी पीसीबी के अंदर हमारा कैपेसिटर भी क्या होगा, लगा होगा इस ब्लोअर को चलने के लिए, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं ना, एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का तार इस पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो सब कुछ इससे मेंशन होता है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और पीसीबी का यहां पर सब कुछ क्या होता है, जैक होता है, इसको ले जाकर हमें इसी जगह लगा देना है, और सेंसर का तो इसमें का उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आप अगर लग भी जाएगा तो इसमें देखेंगे ना, तो इन जैकों में कलर कोड होता है, उस कलर कोड को भी हम ध्यान से देख लेंगे तो दूसरे का दूसरे में हम नहीं लगाएंगे। एक तो हो सकता है व्हाइट व्हाइट होगा और दूसरा ब्लू ब्लू होगा, तो इतना तो कॉमन सेंस हम लगाएंगे कि हाँ, जो व्हाइट व्हाइट है व्हाइट में ही लगेगा, जो ब्लू ब्लू है ब्लू में लगेगा, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि इसकी वायरिंग हमारी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, इनडोर पूरा हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना होगा, आउटडोर की वायरिंग करना होगा, समझ रहे ना। तो आउटडोर के लिए यहां से दो ही तार, हमारे तीन तार जाएंगे, समझ रहे ना। अब यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहां से हम क्या करते हैं कि अर्थ का जो तार होगा ला करके ई वाले पॉइंट में, यानी अर्थिंग वाले पॉइंट में जोड़ देना है, और इसका एक पॉइंट होता है जो पीसीबी से क्या होगा, कनेक्ट होगा, समझ रहे ना, पीसीबी से कनेक्ट होगा, और पीसीबी से एक तार लगेगा और ब्लोअर वगैरह जो भी मोटर होगी उसके अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमारा क्या होगा कि फेस आउट होगा, तीन तार हमारे जाएंगे आउटडोर के लिए, बस सिंपल सा होगा। यहां से हमें क्या करना होगा, तीन तार हमारे किसके लिए जाएंगे, आउटडोर के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां सीओएमपी वाले से हमारा क्या निकलेगा, फेस निकलेगा, तो फेस को ले जा करके यहाँ जंक्शन पर लिखा होगा सीओएमपी, यानी कंप्रेसर आउट, या तो लाइन आउट लिखा होगा, समझ रहे ना, यहाँ पर क्या लिखा होगा, कंप्रेसर लिखा होगा या तो फिर लाइन आउट लिखा होगा। तो आउट का मतलब होगा कि आउटडोर के लिए क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना होगा कि कंप्रेसर वाले पॉइंट हम फेस को, यानी आउट वाले पॉइंट हम फेस को लेकर जाएंगे और आउटडोर के जंक्शन में फेस वाला पॉइंट पे हमें ऐसे क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। अब आउटडोर के लिए हमारा कहा जाएगा, एक और तार जाएगा जो कि किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। तो चलिए हम आउटडोर में क्या करते हैं, न्यूट्रल लेकर के चले जाते हैं, देख रहे हैं ना, हमने न्यूट्रल को क्या कर दिया, जोड़ दिया आउटडोर में। अब यहां से एक और तार जाता है जो कि हमारा किसका होता है, अर्थ का होता है। तो अर्थ वाले तार को ले जाकर के हमें अर्थ वाले पॉइंट में हमें इस प्रकार से क्या करना होगा, कनेक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब कंडेंसर फैन, और यहां पर हमारा कंप्रेसर है, और एक हमारा कैपेसिटर है, समझ रहे ना, एक हमारा क्या है, कैपेसिटर है। तो करंट की आवश्यकता होगी, सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को दे देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा होगा। यहां से हमारा न्यूट्रल आउट होगा इस जैक से, तो हमारा किसके लिए जाएगा, सीधे कंडेंसर फैन के लिए जाएगा, समझ रहे हैं, देखा है ना कि हमने कंडेंसर फैन को कॉमन वाले में क्या कर दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब यहां से हमें क्या करना होगा कि न्यूट्रल आउट करेंगे, अपने कंप्रेसर को क्या करना है, कॉमन वाले में हमें न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कंडेंसर फैन को भी न्यूट्रल मिल गया और हमारे कंप्रेसर को भी क्या हो गया, न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो जो एसी के अंदर जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ना, 20 mFD से लेकर 55 mFD तक अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। अब वो टन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टन की एसी है, जितने टन की एसी होगी उस प्रकार से कैपेसिटर की क्षमता क्या होगी, घटेगी और बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो अधिकतर हमारे होते हैं 20 से 55 mFD के बीच में ही क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही कैपेसिटर होगा, क्योंकि इसमें कौन सी वायरिंग है, पीएससी वायरिंग है, समझ रहे ना, कौन सी वायरिंग है, पीएससी, समझ रहे, परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, समझ रहे, इसका मतलब क्या होगा, परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा, वो भी कौन सा होगा, रनिंग कैपेसिटर होगा, समझ रहे, कौन सा होगा, रनिंग कैपेसिटर। तो अब देखिए, रनिंग कैपेसिटर से दो तार होंगे,
कितने तार होंगे, दो तार होंगे। एक तार को ले जाकर के हमें क्या करना होगा कि इस प्रकार से हम किस में जोड़ देंगे, रनिंग वाले में, यानी कंप्रेसर का रनिंग वाले में जोड़ देंगे, और कैपेसिटर के दूसरे तार को हमें कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ देना है। समझ रहे ना, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों तारों में हमारा क्या हो चुका है, कैपेसिटर जुड़ चुका है। कैपेसिटर के दोनों तारों को हमने कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ दिया है, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, फेस चाहिए, समझ रहे ना, इनको फेस चाहिए। तो आपको पता है कि फेस हमेशा कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट में दिया जाता है, समझ रहे ना, किसमें दिया जाता है, रनिंग वाले पॉइंट में। तो इधर से हम फेस को आउट करेंगे और रनिंग वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, इस प्रकार से दे देना है। और इधर से इनको क्या चाहिए, इसको भी फेस चाहिए, तो इसी वाले पॉइंट से हमें आउट करके सीधे सीधे फेस हम किसको दे देंगे, देखिए मोटर को भी, कंडेंसर फैन को भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर भी कैपेसिटर लगा है, जो कि कैपेसिटर की क्षमता होती है 4 से 6 MVA तक होती है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि फेस को आउट करके जो यहां पर कनेक्शन रनिंग वाला पॉइंट था कैपेसिटर का, उसी के अंदर हमने क्या कर दिया, दे दिया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अब लगभग इसकी वायरिंग क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से अर्थ के वायर को लेकर जाना है और उसके बॉडी के अंदर टच कर देंगे, और यहां से लेकर आएंगे और कंप्रेसर में हमें क्या कर देना होगा, इसके बॉडी के अंदर कहीं पर भी हम लगा देंगे, समझ रहे ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी वायरिंग क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बड़ा काम नहीं होता है वायरिंग का, समझ रहे हैं, ध्यान से अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग कर सकते हैं, जो कि अधिकतर हमारा समझिए कि लगभग 60% ही वायरिंग आपको मिलेगी, समझ रहे हैं, कितना 60% वायरिंग जो अधिकतर यही की गई होती है, जो कि स्प्लिट एसी के इनडोर और आउटडोर को जोड़ने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया होता है, समझ रहे ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से, ध्यान से आप देखे होंगे तो इनडोर और आउटडोर को बढ़िया से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।